टॉपिक इज मेंडलिज्म, कि मेंडलिज्म है क्या। मेंडलिज्म में जो अपन एक्चुअली में जो स्टडी करते हैं वो अपन स्टडी करते हैं कि मेंडल का लाइफ क्या था, उसका बर्थ कहाँ हुआ, फिर उसके बाद उसने क्या वर्क किया, क्यों मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंडल का फुल नेम क्या है। मेंडल का जो फुल नेम है वो है ग्रेगर जोहन मेंडल। अब ग्रेगर जोहन मेंडल ऑफ शॉर्ट नेम जो अपना है मेंडल, इसको कहते क्या है, इसको अपन वर्ड यूज करते हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब जो फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जोहन मेंडल है, इसका वर्क क्या था, इसने जो किया था, इसने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किए थे। अब जो पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट थे, उसने रीजन ही क्या था कि उसने पी प्लांट को चूज किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपन लर्न कर रहे हैं दैट इज अ मेंडलिज्म। इन मेंडलिज्म बर्थ कि मेंडल का बर्थ कब हुआ, मेंडल का बर्थ हुआ 22 जुलाई 1822 में। कहाँ, बोर्न सिटी में। और बोर्न सिटी है कहाँ, ऑस्ट्रिया के अंदर। नाउ द नेक्स्ट इज अ मेंडलिज्म में उसने क्या यूज किया, उसने जो प्लांट यूज किया वो प्लांट कौन सा है, पी प्लांट। अब अपन बात करते हैं कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया, वाई। हर चीज़ करने का कुछ ना कुछ रीज़न है। अगर अपन कोई भी वर्क करते हैं तो उससे पहले अपन उसका रीज़न देखते हैं कि क्यों अपन उस वर्क को करना है। सो मेंडल ने पी प्लांट को यूज़ करने का रीज़न क्या था, पी प्लांट था एनुअल, यानी कि वन ईयर में वन जनरेशन अपने को मिल सकती थी। सेकेंड जो इसका रीज़न था वो था बाइसेक्सुअल भी था, इसमें बोथ पेरेंट्स थे, मेल पेरेंट भी था और फीमेल पेरेंट भी था। लाइक दिस, ये अपने पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये अपने पास यहाँ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। दोनों होने के रीजन से ही अपने इसको क्या वर्ड यूज करे थे, बाइसेक्सुअल, जिसमें ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल पार्ट को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है अपने पास मेल पार्ट को। नेक्स्ट इसका रीजन क्या था कि साइज में ये क्या था, बहुत ही स्मॉल था, ईजी टू ग्रो। जब साइज में स्मॉल है तो स्मॉल क्राइटेरिया में छोटी सी जगह में अपन क्या कर सकते थे, उसको हाई अमाउंट में ग्रो करवा सकते थे। सेकंड नेक्स्ट थिंग ये क्या था, चीप था, बहुत ही क्या था, लिस्ट प्राइसेस के अंदर अपने को ये अवेलेबल था। नेक्स्ट इसका रीजन क्या था, इसमें जो उसने जितनी भी कैलकुलेशंस करी, मैथमेटिकल जो उसकी कैलकुलेशंस थी वो भी क्या थी, ईजी थी। उसने एनालिसिस लिए स्टडी किया था, वन वन कैरेक्टर्स को उसने इजिली एनालिसिस किया था। नेक्स्ट जो उसका रीज़न था वो रीज़न था इसके अंदर प्लांट्स में सेल्फ भी होना एंड क्रॉस पोलिनेशन भी होना। सेल्फ यानी कि बोथ है तो पोलन ग्लैंड्स का ट्रांसफर हो सकता है। क्रॉस पोलिनेशन के लिए उसने क्या किया था, डिफरेंट टाइप की बैगिंग टेक्निक्स यूज की थी। बैगिंग टेक्निक में यहाँ पर उसने पॉलीबैग टाई किया था। जब उसने फीमेल प्लांट ये है उसके ऊपर उसने पॉलीबैग टाई किया और उसने मेल प्लांट को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया। जब उसने मेल प्लांट को रिमूव किया तो उसने किसी अदर प्लांट के सेम होगा, ये भी होगा, पी प्लांट ही होगा, लेकिन इससे डिफरेंट उस प्लांट के उसने पोलन ग्लैंड्स को यहाँ ट्रांसफर किया, जिससे उसने अपनी विशेस के अकॉर्डिंग डिजायर्ड करेक्टर्स भी उसने ट्रांसफर किए थे। ये जो सब चीज़ें थी, ये सब चीज़ें किसमें पॉसिबल थी, पी प्लांट में। यही रीज़न था कि पी प्लांट को अपन ने क्या कहा था कि मेंडल का एक्सपेरिमेंटल प्लांट। इन सब रीजन्स के बिहाफ पे मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया था। नेक्स्ट रीज़न होता है कि सक्सेस, कि जब मेंडल को सक्सेस क्यों मिला। मेंडल को सक्सेस मिलने का रीज़न क्या था कि जब उसने करेक्टर्स को स्टडी किया तो उसने सभी करेक्टर्स का रिकॉर्ड रखा था, कौन सा करेक्टर कब अपना इफेक्ट शो कर रहा है, किस करेक्टर का क्या इफेक्ट है, इन सब के रीज़न से। नेक्स्ट उसने जो भी करेक्टर्स लिए वो क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे थे, जिसके रीज़न से जो उसके जो लॉज थे वो लॉज होने पर क्या हुए, सेटअप हुआ। नेक्स्ट जो रीज़न था वो रीज़न था इसका एनालिसिस करना। मेंडल इजीली किसी भी टॉपिक पे स्टडी करके उसको कंप्लीट करने का रिकॉर्ड नहीं रख रहा था। मेंडल स्टडी क्या कर रहा था, उस टॉपिक को ब्रीफली स्टडी करना कि एक्चुअल में जो उसने करेक्टर लिया वो करेक्टर कब अपना इफेक्ट दिखा रहा है, कब अपना इफेक्ट दिखा नहीं रहा, कब उसमें चीज़ें आगे होंगी, कब उसमें चीज़ें आगे नहीं होंगी।
तो उन सब के लिए वर्ड यूज होता है एनालिसिस करना। तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को एनालिसिस भी किया था, और नेक्स्ट और मेन रीजन क्या था कि उसने पी प्लांट को ही अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए चूज किया, जो मेंडल की सक्सेस का रीजन था। अब बात आती है कि पी प्लांट, तो पी प्लांट का जो अपने पास बोटेनिकल नेम है, वो अपने पास बोटेनिकल नेम है पाइसम स्टाइगम। पाइसम पी प्लांट का जीनस है, सो जीनस के रीजन से अपन इसके लिए कैपिटल पी यूज कर रहे हैं। और स्टाइगम में जो एस है, स्मॉल एस, वो उसका क्या है, स्पीशीज है, इसी रीजन से अपन ने यहाँ इसको स्मॉल एस से राइट किया। इसके ब्रैकेट के में इसको स्मॉल एस से रिटर्न करने के बाद में जो लास्ट में अपन ने मेंशन किया अंडरलाइन, उसका रीजन क्या है? अंडरलाइन का रीजन है कि ये अपने पास कौन से नेम है, साइंटिफिक नेम। सो फ्रेंड्स, यही अपना टॉपिक है कि मेंडलिज्म क्या है। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज द मेंडलिज्म में उसने अपनी लॉज भी मेंशन की, जिसके लिए अपन वर्ड यूज करते हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जो अपनी नेक्स्ट वीडियोस में है। ओके, थैंक यू।